अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ डेविल एंड एंजल, रिटन बाय जोनिया साले। बहुत ही गैंगस्टर बेस्ड इनोसेंट हीरोइन के साथ रोमांटिक नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 6 की जानेब। रुखसती बहुत सादगी से हुई थी, वो भी मिंसा के अबू अम्मी के कहने पर, जिस पर टाइगर उस लिए मान गया था कि वो अपने रिसेप्शन पर सारी कसर पूरी करेगा। मिंसा के पुप्पो के साथ मोहल्ले वाले भी मिंसा की किस्मत पर हैरान थे और उसकी पुप्पो भी उनका चुप्पी लग चुकी थी। टाइगर को देखकर इतने बड़े बिजनेसमैन की बीबी और उसकी सोसाइटी में होने वाली दुल्हनों के बरक्स उस वक्त एक बड़ी सी चादर में छुपी हुई थी। सारा रास्ता खामोशी से गुजरा। जैसे जैसे मंजिल करीब आती जा रही थी, वैसे ही मिंसा की हालत भी पतली होती जा रही थी। आगे का सोचकर उसे होल उठ रहे थे और उसके साथ ही बैठा हुआ दूसरे दुल्हनों के बरक्स और देर तक उसे देखता रहा। घर पहुंचते ही अरुषा बेगम गाड़ी से निकलती उसकी तरफ बढ़ी और उसे गाड़ी से निकलने में मदद दी, लेकिन घर के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक झटका लगा। टाइगर अलबत्ता संजीदगी के साथ अपनी माँ को देखने लगा, जो लॉन्च के बीचों बीच एमल के साथ गुस्से से बड़ी खड़ी थी। एमल एक लम्हे के लिए उसे देखकर डर गई थी, मगर मिसिस बख्तियार के होते हुए उसे थोड़ा हौसला मिला। सैफ साहब चल खड़े उस औरत को आज इतने सालों के बाद अपने सामने देख रहे थे, लेकिन सैफ साहब को उनके हुलिये की वजह से पहचान ना सके। क्या ये क्या तमाशा चल रहा है जहीर, क्या हो रहा है यहाँ, क्यों आपको नजर नहीं आ रहा? शादी हुई है मेरी, अपनी दुल्हन लाया हूँ, अभी भी तो यही चाहती थी ना, आप भी तो यही चाहती थी। वो एक भरपूर मुस्कुराहट देता वह बोला, ये तो तुम्हारी खास चॉइस है, कहाँ से उठाकर लाए हो इन बकारियों को तुम, अब क्या इस घर में भी रहेंगे? बस एक माह के लिए यही था। और उसके यूं बोलने पर मिसिस बख्तियार गुस्से से चीख पड़ी। सैफ और अरुषा बेगम का इस बेइज्जती पर चेहरा सुर्ख हो चुका था। मिंसा इसकी बात पर सुनकर हैरान थी। वो टाइगर की बेबस होते हुए फौरन आगे बढ़ा था। आप क्यों आई हैं यहाँ, मैंने तो आपसे कहा था खुशी से शामिल होगी, तो बेशक आए, लेकिन ये तमाशा बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूंगा, वो हाथ उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला। सैफ सब जहीर को अपनी माँ से ये बर्ताव देख दंग रह गया था। और क्या आप पहचाना नहीं अपने एक्स हस्बैंड को, वतन से अंदाज में बोला, क्या इतनी जल्दी भूल गई इन्हें? इसकी बात सुनकर मिसेज बख्तियार चल होगी, ये किसकी बात कर रहा था और हेलक्स कहाँ, जिक्र यहाँ कहाँ है? उसकी बात सुनकर वो यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाती देखने लगी परेशानी से, लेकिन अचानक उसकी नजरें देखती हैरानगी तो तुम यहाँ, और ये वो बमुश्किल बोलती उसके होलिये की तरफ इशारा करते हुए अपना फिक्रा मुकम्मल ना कर पाई। ऐसे में अरुषा बेगम बेबसी से कभी सैफ और कभी मिसिस बख्तियार को देखने लगी। दिल अजीब दुख में सिमटा ये सुनकर कि ये इनकी पहली बीवी थी और वो भी खूबसूरत उम्र के इस हिस्से में भी, वो खुद को अब बहुत इनसिक्योर महसूस करने लगी। मिस पीट यहाँ इनकी फैमिली मुकम्मल थी और माँ बाप बेटा और बहू सब थे, और वो क्यों, क्या हुआ माऊ, कहाँ रहेगी, ना धंक पाया ना आपने यहाँ पापा को, और वो भी यूँ देखकर देखें इशारे से साथ खड़ी अरुषा बेगम की तरफ इशारा किया, ये इनकी वाइफ है, वो उनके चेहरे के तासुरात देखता खूब हीज उठा रहा था। ऐसे में मिंसा इतने बारीक कामदार कपड़े पहने और परेशानी कुछ चल जैन के साथ गिरने वाली हुई थी। ये सारी सूरत हाल उसकी बर्दाश्त से बाहर थी और मजीद अपने आप पर काबू न पा रख सकी और आंखों के आगे अंधेरा छाया तो कुछ पता ना चला। और ऐसे में अरुषा बेगम की चीख सुनी जो उसे हिलाते हुए बोल रही थी, फिर उसे कुछ मालूम नहीं पड़ा। जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे हाल में गूंजी। मिसिस बख्तियार बेजगिनी अपने गाल पर हाथ रखते हुए बख्तियार साहब को देखेगी। जिंदगी में पहली बार उन्होंने उन पर हाथ उठाया था और उम्र के इस हिस्से में इतनी तसलील, वो भी सब नौकरों के सामने। वशाल सी खड़ी थी एमल तमस्कर से मिसिस बख्तियार को देखने लगी, तुम बेवकूफ़ औरत, इस काबिल हो कहाँ थी कि मैंने इसकी शादी अगर होगी तो एमल से, मिस्टर बख्तियार जाहिल मर्दों की तरह चीख कर बोली। और फिर इस दो कोड़ी के लोगों से रिश्ता जोड़कर बैठा है और उसे अपनी सोसाइटी में कोई नहीं मिला, ना कटवा कर रख दी हमारे, किसकी इज्जत खराब हुई है, जिसको वो खुद कोई इज्जत नहीं इस सोसाइटी में। मैं मिस बख्तियार हमोश इसकी बिल्कुल मार नहीं इन्हें देखकर सोच सकें, बोलती तो सैफ साहब और अरुषा बेगम को देखते ही उनकी बंद हो चुकी थी। और ऐसी कसर आज सच में लग रहा था कि वो सब हार चुकी हैं, अपने बेटे को समझा तलाक दे और वो उस दो कोड़ी की लड़की को और एमल से शादी करे, नहीं तो इस उम्र में तलाक का ठप्पा लगवाओगी और कहीं की नहीं रहोगी। उन्हें वार्निंग देते हुए सर झटकते हुए वहाँ से चली गई। मिसिस बख्तियार विदम से होकर सोफे पर जा बैठी थी और एक प्यार करने वाले शख्स को छोड़ने का सिला आज उनको मिल रहा था और उस औरत
को उसके साथ देखे उन्हें जाने क्यों बहुत तकलीफ हो रही थी, जो उस वक्त उस शख्स को छोड़े थे वक्त भी नहीं हुई। आज सही मानों में वो जान पाई थी कि उन्होंने सैफ को छोड़कर कितने घाटे का सौदा किया था। सैफ आप इतने टेंस ना हो, आपकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। अरुषा बेगम बेबसी से बोली, जो कमरे में यहाँ वहाँ उससे और जब से चक्कर लगा रहे थे। कैसे न लूँ अरुषा, आपने देखा नहीं कुछ देर पहले कुछ नहीं, और जहेर इतना सब कुछ छुपाया मुझसे, और तो और उसका अंदाज़ देखा अपनी माँ से बात करने का, कैसे धड़ल्ले से अपनी उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। वो जैसी भी है उसकी माँ ना, वो देखकर तकलीफ से बोले, सब्र रखें सैफ, आप आराम से सुबह बात कीजिएगा जहेर से और उसे समझाइएगा, फिलहाल आराम करें, आपको इसकी ज़रूरत है। और उन्हें बेड पर बिठाते हुए बोली, मैं ज़रा मेंसा को देख लूँ, उसे होश भी आया है कि नहीं, जहेर तो जाने कहाँ चला गया है इस वक्त, जबकि उसे घर होना चाहिए, मेंसा को उसकी ज़रूरत है। वो उसे बोलती गहरा सांस भर कर रह गई थी और कमरे से निकल गई। कमरे में उस वक्त गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जिससे दिन रात का पता बिल्कुल नहीं चल रहा था। चकराते सर थामती मुश्किल से खड़ी उठकर बैठी थी, वो खुद एक कमरे में पाया था। जहन पर जोर दिया तो याद आया कि आज तो उसकी शादी थी और रुखसत होकर वो यहाँ आई थी, और थोड़ी देर पहले होने वाले सूरत हाल पर परेशानी से यहाँ वहाँ देखा तो, मगर उसे कहीं नहीं देखा तो इर्द गिर्द कमरे का जायज़ा लेती वो कमरा देखकर मबहूत रह गई। बिल्कुल ऐसे तखयल करता कमरों की तरह ये था, ऐसे कमरा ये सब एक ख्वाब से लगा। क्या ये इस अब से मेरा कमरा भी है, वो उससे मुहातिब हुई थी। बेड से उठती वो अभी कमरे के दरमियान खड़ी इर्द गिर्द का जायज़ा लेकर आज यकदम दरवाज़ा खटका और आसिया बेगम खड़ा अंदर दाखिल होते हुए उसे कमरे के बीचों बीच मुस्कुरा कर देखकर वो सुकून का सांस ली। आए तुम ठीक हो मिनसा जी, बेहतर हूँ पहले से, हालत बस ज़रा सर्द सा भारी हो रहा है, तो फिर तुम्हें आराम करना चाहिए ना, यहाँ खड़े किया कर रही हो। वो सिहाफ किसी बोली, नहीं बस वो मैं भारी कपड़े चेंज करने का सोच रही थी, बहुत तंग कर रहे हैं, अब वो आएगा तो फिर तुम्हें सादा हुलिये में देखेगा तो उसे बुरा लगेगा, उसके इंतज़ार करो फिर बदल लेना। जहेर पता नहीं कहाँ गया है, कुछ देर पहले वो भी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती थी। खैर जहेर जानता था, मगर तुम इसे ज़्यादा इस बारे में मत सोचो। थोड़ी से पकड़ते प्यार करते समझ आते हुए बोली तो वो झिनम गई, और महज अरुषा बेगम उसके कमरे में चली गई। मिनसा धड़कते दिल के साथ उसके आने का इंतज़ार करने लगी, जाने अब आगे क्या होगा उसकी ज़िंदगी में। बेड क्राउन से टेक लगाती वो सोचा कि भंवर में गुम हो गई थी, मैंने अपना बचपन इन लोगों की खुदगर्जी और बेहसी की वजह से बहुत बेबस रोते तड़पते गुजारा है। खिड़की से नज़र आते चाँद पर नज़रें गाड़े वो कहीं गुम था और पूरा ऑफिस अंधेरे में डूबा हुआ था। फकत बड़ी सी ग्लास वाल से चाँद की रोशनी छन करती उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उनकी बेहसी और खुदगर्जी मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया। बोलते बोलते उसके चेहरे पर गुर्बत अजीत बड़े तासुर थे और आंखें जब्त की शिद्दत से सुर्ख हो चुकी थी। यख्त लख्त उसके तासरात बदलते, अजीब सी शैतानियत मुस्कुराहट में डली। लेकिन कल वक़्त इनका था और आज वक़्त मेरा है, मोहब्बत अपनी जगह लेकर टाइगर को तड़पाने का हमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। कुर्सी पर झूलता हुआ दोपहर के 2 बज चुके थे और जहर अभी तक नहीं आया था। सब लोग उसके यूँ अचानक चले जाने से काफ़ी परेशान थे। मिनसा अभी भी उसका इंतजार कर रही थी, वो ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने लगी। सब लाउंज में बैठे उसके इंतजार कर रहे थे कि लाउंज के दरवाजे से अंदर आता दिखाई दिया, और वो जो अपनी जगह से उठकर जल्दी और उसकी ओर बढ़ने लगी उन सबको नज़रअंदाज करता फौरन अपने कमरे में जा चुका था। बाकी सब तो छोड़ साहब साहब भी उसकी हरकत हक तक रह गए थे। मिनसा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पीछे कमरे में जाए या ना जाए, लेकिन उसकी ये कश्मकश भी दूर हुई जब 15 मिनट बाद जहेर तैयार होकर 3-पीस में सूट में नीचे आया। साहब साहब कुछ बोलते कि उनके नज़दीक ही रुकता ही बोल पड़ा, पापा शाम में आकर बात होती है, इस वक्त मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, और हाँ मैं भला कल रिसेप्शन होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं अपनी बीवी को लेकर घर भूल चुका हूँ। वो उनको भूलने का कोई मौका भी दिए बगैर ही बेनियाज़ी से होकर अपनी सुनाकर मिनसा के पास आया और उसको कुछ समझने का मौका दिए बगैर उसके चेहरे पर झुकता एक बेबाक जिसारत करता पीछे हटा, और मिनसा इस सप्ताह पर फटी फटी निगाहों से उसको देखते गई। चेहरे पर उस हरकत पर सुर्ख अनारी हो चुकी थी। और डार्लिंग मैं आकर तुम्हारी शिकायतें दूर कर दूंगा, और उसका हाथ पकड़ते चुमते वहाँ से निकल गया। सैफ साहब और अरुषा बेगम के सामने इस हरकत पर वो शर्मिंदा हुई, नम आँखें लिए अपनी कमरे में भागी। अरुषा बेगम सैफ साहब के सामने बेबाक हरकत करते उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। सैफ साहब का चेहरा हफत और गुस्से से सुर्ख हो चुका था। अरुषा बेगम वहाँ से अपने कमरे में चली गई। वो दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे। सैफ साहब को उस वक्त अपनी जवानी की झलक दिखी थी जहेर में। वो अपने कमरे में आते ही बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठी थी, और धड़क से उसकी आंखें नम थी शर्मिंदगी से। वो रोहांसी होती अपने बिस्तर पर जा बैठी और वहाँ मिलने लगी। क्या मतलब शिकायतें दूर करने का, मैं कौन सी उनसे कोई शिकायत की थी। वो रोहांसी होती सोचकर हलकान हो रही थी, क्या हो गया मेरा अभी तक वो उसके सब के सामने और ऊपर जिसारत संभाली नहीं थी।
और ऊपर से उसकी वो पहेलियाँ। आज मेरे मीटिंग से फारिग होने के से पहले इस होटल के कागजात मेरी टेबल पर हों, बहुत वक्त दे चुका हूँ मैं इस क्रीम को अब और नहीं। और अपने मोबाइल में मसरूफ सर्द लहजे में बोला, जीस बास हो जाएगा क्या आइस? मगर उसे सर्द नज़रों से देखता बोला, कुछ नहीं बास। ओला पिंच कर रह गया, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता हूँ आइस, अगर काम करने के हवाले से कोई बात है तो बेहतर मत, नहीं तो बास वो क्या बात है, आज तुम बात करते हुए बहुत हिचकिचा रहे हो, इसका मतलब ज़रूर तुम्हारे बारे में कोई बात है। बास मेरी तबीयत कुछ ठीक दिनों से ठीक नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहता हूँ, वो झिझक कर बोला, क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर के पास गए और वो मुतफक्कर होकर, जी बास कुछ दिन रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, हम एक हफ़्ते से चाहूँ तो छुट्टी कर सकते हो मगर इससे ज़्यादा नहीं। जी बास एक हफ्ता काफ़ी है, वो सर हिलाकर एक बार फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। तो मेरी वाहिद अकलौती दोस्ती तुम्हें तो मैं शादी में तैयारियों में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए था और फिर तुम मेरी शादी पर नहीं आई, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, फिरोजा रुख मोड़े खफगी से बोली, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी शादी को लेकर मैं कितने सबसे ज़्यादा खुश थी और फिर तुम्हारी शादी पर नहीं आई तो उसके पीछे भी कोई और वजह हो सकती, तो मेरे हालात से वाकिफ हो मीन सा मामी, मेरी शादी अपने भाई से करना चाहती, वो ना चाहते हुए भी ये सब ये क्या बोल रही हो तुम? वो टकला अधेड़ उम्र का आदमी, उससे तुम्हारी मामी का दिमाग तो ठीक है ना? मीन सा अपनी हफकी बौखलाए उसकी तरफ मोड़ती हैरत से बोली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मीन सा, वो मामू की मर्जी तो किसी हाथर में नहीं ला रही और उसके पास चले तो भी चलता करे, मुझे नम आंखों से नम आंख के लिए वसीसा कब बोली तो मिनसा को गले लगागी, तुम फिक्र मत करो इंशाल्लाह सब ठीक होगा, अच्छे की उम्मीद मत छोड़ो, जब मामला ज़्यादा बिगड़ने लगे तो तुम मुझे फ़ौरन से बताना, मैं ज़रूर कुछ करूँगी और अम्मी और हाला से बात करके ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, मिनसा अल्लाह करे सब ठीक हो, नहीं तो तुम्हें मैं जिंदा दरगोर कर दूँगी। मिनसा अब मुझे कुछ नहीं, वो गलोगीर लहजे में बोली, मिनसा के वालदैन आज उससे मिलने आए थे, जब भी फिरोज़ा मिलने भी आए और मौका ढूंढते हुए कमरे में हर जगह मुख्तलिफ किस्म के पेंट कलर किलर थे और जहर जगह बिखरा हुआ था, कमरे की दीवारें मुख्तलिफ कार्टूनों की पेंटिंग सी भरी हुई थी जो कमरे की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी, और बच्चा बड़े इनमहाक से सफ़े पर ब्रश फेरता हुआ एक मंजर में रंग भरने की कोशिश करने में लगा हुआ था, जक वक्त नीचे लाउंज में कुछ टूटने की आवाज़, उसकी तवज्जो भटक गई, मामा तो घर पर नहीं है और पापा भी, कहीं कोई घुस तो नहीं आया, ये सोचते हुए जहेर का चेहरा होप से जर्द पड़ गया और वो अपने नन्हे नन्हे कदम उठाता दरवाजे तक आया था और ज़रा सा खोलकर बाहर झांका तो वहीं दिखता हुआ मंजमिंद रह गया, उसके बाप नशे में दूध किसी दूसरी औरत के साथ हंसते हुए अपने कमरे की जानिब जा रहा था और उसके कमरे से लाउंज का दरवाज़ा सामने नजर आता, एकदम गुस्से से अपने बाप की ओर बढ़ा और कारपेट में वहाँ पांव उलझे और सीढ़ियों से गिरता नीचे गिरा और एलेक्स उसकी चीख सुनता हड़बड़ी में बाहर आया और जहेर को होन में लगभग देखकर घबरा कर उसके पास आता, उसे अस्पताल लेकर भागा था, वो तो समझा था कि जहेर और वाहरा घर नहीं होंगे, तभी वो लैला को घर लाया था और उस वक्त मिस्टर बख्तियार के साथ डिनर करने में बिजी थी कि फ़ोन की रिंग उसके खुशगवार मूड को यकृत नगवार कर दिया, एलेक्स की कॉल देखते ही तिपकर रह गई थी, कौन है डार्लिंग इतने खूबसूरत चेहरे पर, यह नागवारी की कुछ नहीं बस ये मेरे शोहर को मेरे बगैर सुकून नहीं, जब देखो पीछे पड़ा रहता है, अरे तुम चीज़ ही ऐसी होगी, अब हम बेहाल हैं तो वो फिर तुम्हारा शोहर है, उसकी तारीफ पर फहरा फ़खर से गर्दन अकड़ा कर उससे एक्सक्यूज़ करती बाहर आ गई, क्या मसला है तुम्हें, जब मैं बिजी होती हूँ तो तुम्हें सुकून नहीं है, मुझे लेने देना, देखो पहरा जहेर सीढ़ियों से गिरा है, उसे बहुत चोटें आई हैं, बहुत जल्दी से घर आ जाओ, और उसमें नई बात कौन सी है, बच्चा है इतनी तो बात तुम इतना इशू बना रहे हो, तुमने शायद मेरी बात ठीक से नहीं सुनी, उसे बहुत चोटें आई, माँ हो तुम, तलखी से बोला, अच्छा ज़्यादा लक्ष्य झाड़ने की ज़रूरत नहीं, आ रही हूँ, और बेजारी से बोलती हुई फ़ोन बंद करती, एलेक्स का पीछता रह गया और जहेर के पास आया जो उसकी तरफ देख रहा था, पापा मामा कहाँ हैं, अभी तक नहीं आई, अभी आती होगी वो, तुम मुझे बताओ आज स्कूल गए नहीं? नहीं पापा आज मेरा स्कूल से ऑफ था, इसलिए वो मासूमियत से बोला, ठीक है अगली बार मुझे बता देना, पापा आप दोबारा उन आंटी को घर ना लाना, मुझे वो बहुत गंदी लगती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, कुछ देर तक अपने बाप का चेहरा तकते वो अचानक बोला, तो एलेक्स हफ्ता ज़्यादा हो गया तो क्या मतलब, हम ठीक हैं बेटा, जैसा आपको वैसे ही होगा, अब वह दोबारा कभी नहीं आएगी, अपने बाप की बात सुनते ही उसका चेहरा धमक उठा जिसने उसकी माँ की धतकारा था। अस्सलाम वालेकुम।